हेलो स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, ये है होमोफोन्स का पार्ट टू। जैसा कि आप सबको पता होगा, कुछ लोगों ने देखा भी होगा कि मैंने होमोफोन्स का सबसे पहला पार्ट बनाया था और ये मेरा दूसरा पार्ट है होमोफोन्स का। ऐसे ही मैं कई होमोफोन्स के पार्ट्स बनाया करूँगा और वीडियोस के अंतर्गत आपको ये बताऊँगा कि कुछ ऐसे शब्द, कुछ नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे शब्द जिनके उच्चारण बिल्कुल एक समान होते हैं और उनके अर्थ में भिन्नता होती है, उनके अर्थ में डिफरेंस होते हैं, ऐसे ही कुछ वर्ड्स मैं लेकर के आया हूँ पार्ट टू में, यानी होमोफोन्स पार्ट टू में। और इसमें मैं आप सबके लिए पेयर वर्ड्स लाया हूँ। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने 3 या 4 शब्दों के होमोफोन्स लाया था, पर आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2 ऐसे शब्द जिनके उच्चारण बिल्कुल एक समान होंगे लेकिन उनके स्पेलिंग और अर्थ में डिफरेंस होगा। तो देखते हैं उन शब्दों को। सबसे पहला वर्ड सेंट, SAINT अगर लिखते हों तो इसे सेंट पढ़ते हैं, और SCENT लिखते हैं तो भी इसे सेंट ही पढ़ते हैं। इसमें सी साइलेंट रहता है क्योंकि साइलेंट लेटर का रूल कहता है कि जब भी किसी शब्द की शुरुआत SC से हो और SC के बाद EIY में से कोई भी हो तो वहाँ पर सी साइलेंट हो जाता है, और यहाँ पर SC के बाद E आया हुआ है इसलिए यहाँ पर सी साइलेंट है। दोनों को हम सेंट ही पढ़ेंगे, दोनों के स्पेलिंग हमें अलग अलग देखने को मिले लेकिन इनके अर्थ बिल्कुल अलग हैं। जैसे कि SAINT का मतलब है साधु या संत, और SCENT का मतलब है खुशबू या सुगंध। दूसरा वर्ड शिप, ये दोनों शब्द शिप ही हैं लेकिन इन दोनों के प्रोनाउंसिएशन में हल्का सा बारीक सा हमें डिफरेंस करके साउंड करना होता है। जैसे कि इसे हम शिप कहेंगे, शिप यानी भेड़, वो जानवर जिनके बालों से ऊन बनाए जाते हैं उसे हम शीप कहते हैं। और ठीक दूसरी तरफ ये है शिप, जिसको हम शॉर्टली इमीडिएटली बोलते हैं शिप, जिसका मतलब है जल जहाज, जो समुद्रों में जहाज़ें चला करती है वो जहाज़। तीसरा वर्ड स्लिप, SLIP और फिर SLEEP, दोनों को हम स्लिप ही कहते हैं लेकिन ऊपर का जो स्लिप है उसे हम स्लीप नहीं बल्कि उसे हम शॉर्टली इमीडिएटली कहेंगे स्लिप, यानी जिसका मतलब है फिसल जाना। और ठीक इसके नीचे ये भी स्लीप है लेकिन इसको हम स्लिप नहीं कहेंगे, इसको हम कहते हैं स्लीप, क्योंकि EE का उच्चारण करते समय हमें थोड़ा सा डिस्टेंस देना पड़ता है, थोड़ा सा खींच कर कहना पड़ता है उसे, तो इसे हम स्लीप कहेंगे, यानी सोना, वो सोना नहीं गोल्ड बल्कि बिस्तर पर सोना, खटिए पर सोना, है ना, यानी बेड पर सोना, वो सोना स्लिप। चौथा वर्ड सन, SUN, इस सन का मतलब है सूरज या सूर्य। ये तो छोटे छोटे बच्चे भी इस वर्ड को जानते हैं और नीचे वाले शब्द को भी जानते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब कोई सन कहता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस सन की बात हो रही है, किस सेंट की बात हो रही है, किस शिप की बात हो रही है, किस स्लिप की बात हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें बड़े ही ध्यान से, बड़े ही केयरफुली सेंटेंसेज को सुनना पड़ता है, और जैसा हमारा सेंटेंस हो उसी के अकॉर्डिंग हमें उसकी हिंदी निकालनी पड़ती है, तब हम पता कर पाते हैं कि किस सेंट की बात हो रही है, किस शिप की बात हो रही है, किस स्लिप की बात हो रही है, और यहाँ किस सन की बात हो रही है। तो अगर SUN लिखते हैं तो सन मीन्स होता है सूरज या सूर्य, और अगर SON लिखते हैं तो इसे भी हम सन ही पढ़ते हैं, जिसका अर्थ होता है बेटा या पुत्र। पाँचवा वर्ड स्टोरी, अगर STORY लिखते हों, अगर E यहाँ पर नहीं रहता हो तो इसका अर्थ है कहानी या कथा, लेकिन जब स्टोरी में हम R के बाद E का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर इस स्टोरी का मतलब हो जाता है मंजिल या तल्ला, वो मंजिल नहीं डेस्टिनेशन बल्कि वो मंजिल, जैसे कि 1 तल्ले, 2 तल्ले, 3 तल्ले, 10 तल्ले, 50 तल्ले, उस तल्ले की बात हो रही है यहाँ पर स्टोरी। छठा वर्ड SOME सम और फिर SUM सम, इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन हम सम ही कहते हैं लेकिन SOME का अर्थ है कुछ जबकि SUM का अर्थ है जोर या योग। सातवां वर्ड सोल, SOLE, सोल का मतलब है तलवा, जैसे कि हमारे पैर का तलवा, है ना, हमारे चप्पल का तलवा या जूतों का तलवा, वो है सोल, SOLE, और अगर हम SOUL लिखें तो इसका अर्थ होता है आत्मा या फिर रूह। आठवां शब्द प्रे, PRAY, अगर हम ए करते हों तो इस प्रे का मतलब है प्रार्थना करना, अगर हम ए के स्थान पर ई कर दें तो इसे भी हम प्रे ही पढ़ते हैं लेकिन इसका अर्थ होता है शिकार करना। नौवां वर्ड पूल, POOL, पूल मीन्स होता है पोखर, तालाब या डावरा, और अगर हम PULL की बात करें तो इसे भी हम पूल कहते हैं, जिसका मतलब होता है खींचना, लेकिन इन दोनों के प्रोनंसिएशन में थोड़ा सा हमें डिफरेंस करना पड़ता है, थोड़ा सा हमें फ़र्क करना पड़ता है, इसे हम पूल कहेंगे और जबकि इसको बोलेंगे पुल, यानी इसे हम तुरंत बोलेंगे और हमारी ज़ुबान में थिरकन पैदा होना चाहिए कहते समय पुल। वेल,
सेल, इस तरह के कुछ प्रोनाउंसिएशन हम करते हैं। दसवां शब्द पीस, अगर हम पी आई ई सी ई लिखते हों तो इसका मतलब है टुकड़ा, यानी किसी भी चीज़ का टुकड़ा, जैसे कि रोटी का टुकड़ा है ना, किसी ईंट का टुकड़ा या लकड़ियों का टुकड़ा, कुछ भी टुकड़ा हो सकता है, वो है पी आई ई सी ई। और अगर हम लिखते हों पी ई एस सी ई तो इसका अर्थ है शांति यानी अमन। ग्यारहवां वर्ड लिस्ट, ये दोनों लिस्ट ही हैं लेकिन इसको हम लिस्ट कहते हैं, तुरंत कहते हैं, इमीजिएट कहते हैं, जबकि इसको हम थोड़ा सा खींच कर कहते हैं, डिस्टेंस दे करके लिस्ट। तो इस लिस्ट का मतलब है न्यूनतम, यानी बहुत ही कम, सबसे कम के अर्थ को दिखाता है एल ई ए एस टी, जो कि लेस का सुपरलेटिव डिग्री है। और ठीक इसके नीचे एल आई एस टी लिस्ट, जिसका अर्थ होता है सूची या तालिका। और आज का हमारा लास्ट वर्ड यानी ट्वेल्थ वर्ड है लीव, और ये है लिव। तो एल ई ए वी ई अगर लिखते हों तो इस लिव का मतलब होता है छोड़ना, या फिर छुट्टियों के लिए हम लिव का प्रयोग करते हैं, जो हम अपनी मर्जी से छुट्टियां किया करते हैं वो हमारी लिव हुआ करती है, या फिर इसका अर्थ छोड़ना होता है। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म लेफ्ट हुआ करता है। ठीक इसके नीचे एल आई वी ई, इसको जब इसको भी हम लिव पढ़ते हैं, जिसका मतलब होता है रहना, जैसे कि आई लिव एट बिहार, आई लिव इन बिहार, आई लिव एट छपरा, एट्सेट्रा, जैसे बहुत सारे सेंटेंसेस हम लिव के द्वारा बनाते हैं। लेकिन यही वर्ड जिसको हम लाइव भी पढ़ते हैं, एल आई वी ई, जब इसका उच्चारण, जब इसका प्रोनाउंसिएशन हम लाइव करें तो इसका अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। इसका अर्थ होता है जीवित रहना, जिंदा रहना, या फिर वो भी एक लाइव हुआ करता है, वो क्रिकेट स्पोर्ट्स जब होते हैं वो भी एक लाइव हुआ करता है। तो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सबको बहुत पसंद आएगी। और होमोफोन्स के चाहे जितने भी वर्ड्स हों, आप होमोफोन्स के सारे शब्दों को याद कर लें, क्योंकि जब कोई साउंड करता है ऐसे शब्दों को तो हम अक्सर सुनकर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि किस वर्ड की बात हो रही है, क्योंकि वैसे उच्चारण वाले तो दो दो, तीन तीन, चार चार, यहाँ तक कि पाँच पाँच वर्ड्स हुआ करते हैं, लेकिन हमें समझना ये होता है कि किस अर्थ में वो व्यक्ति किस वर्ड का यूज़ कर रहा है। तो इसके लिए हमें सेंटेंसेस को गौर से सुनना होता है, उसके अगल बगल के शब्दों को भी ध्यान में रखना पड़ता है, और जब हम डीपली थिंकिंग करते हैं तो हमें पता चलता है कि किस सन की बात हो रही है, किस पुल की बात हो रही है, किस सोल की बात हो रही है। और कई बार तो प्रोनाउंसिएशन सही ढंग से नहीं करने से भी हम शब्दों के अर्थ को सही ढंग से समझ नहीं पाते हैं। तो कुछ शब्द लिखे तो एक ही तरह से जाते हैं, प्रोनाउंस भी एक तरह से ही किए जाते हैं, लेकिन प्रोनाउंस करते समय हमें थोड़ा सा अपने टंग का हेर फेर करना होता है, जो हम सब के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये था होमोफोन्स का पार्ट टू। फिर से मैं पार्ट 3, 4, 5, 6 जैसे बहुत सारे वीडियोस होमोफोन्स पर बनाने वाला हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप सब इन शब्दों को याद कर लेंगे, और आपके इसके बाद कोई आपको दूसरी कन्फ्यूजन ना हो, या फिर कभी आप ऐसे कन्फ्यूजन से आपको फेस न करना पड़े, इसलिए इसे शब्दों को याद कर लेना बहुत ही ज़रूरी होगा। ओके फ्रेंड्स एंड माई स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नए नए जानकारियों के साथ, नए नए है ना कुछ पॉइंट्स के साथ। तब तक के लिए बाय, सी यू।